हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास टेंथ का मैथ्स करेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कवर। एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप जरूर पूछ लें बच्चों। तो स्टार्टिंग में आपके लिए डाउट सेशन ही रहेगा। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, कोई भी अगर पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो। अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्मार्ट बोर्ड पे आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया जाएगा। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके। और जिन बच्चों को कोई डाउट है वो अपना डाउट हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसको हम बोल सकते हैं। यहां पे आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, क्या लिखा है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। मतलब क्या है, बाल्टी की आपको विमाएं दी हुई हैं, ठीक है। हम एक बाल्टी यहाँ पे बना सकते हैं। बेलन के आकार की यहाँ पे बाल्टी है और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें रेत भरा हुआ है, ठीक है। इसमें रेत भरा हुआ है यहाँ पे, इस बाल्टी में रेत भरा हुआ है। अब क्या है, इस बाल्टी को जमीन पे खाली किया जाता है और जब खाली करते हैं तो इससे एक शंक्वाकार ढेरी बनती है। मतलब शंकु के आकार की एक इस तरह से ढेरी बन जाती है, रेत की ढेरी इसको हम बोलेंगे। तो इसमें क्या है, आपको क्या बताना है, इस ढेरी की ऊंचाई तो यहाँ पे गिवन है लेकिन यहाँ पे त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई इसकी नहीं दी हुई है, जो आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो देखिए, इसकी आपको त्रिज्या गिवन है 18 सेंटीमीटर, कितनी 18 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है वो भी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। मतलब जो ये बेलन है इसकी ऊंचाई आपको गिवन है और इसकी त्रिज्या आपको गिवन है। और क्या चीज दी हुई है, जो ये शंकु है इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं, ये नहीं दी हुई, और इसको R बोलते हैं, ये भी नहीं दिया हुआ। तो ये दो चीज आपको निकालनी है यहाँ पे। तो देखिए, जो जो गिवन है पहले आप वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे इसमें जो पूछा गया है वो आपको बताना है, जो जो गिवन है वो लिख के उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या रहेगा, जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो असली पार्ट ये रहेगा कि भाई जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु के आयतन के बराबर होना चाहिए। ये है इसका मेन पॉइंट बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये चीज समझ में आती है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। बहुत सारे आप क्वेश्चंस कर चुके हैं इस तरह के, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करें। कोई आपका पहले के क्वेश्चन है, डाउट है, वो भी आप पूछ सकते हैं साथ में ही। तब तक के लिए इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे आप, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना और मुझे आंसर बता देंगे। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में भी तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं, किसी चीज में आपको डाउट आ रहा है तो, नहीं तो आप आंसर बताएंगे मुझे, फिर हम आगे करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है, आर निकालना है आपको, ठीक है। आर निकालना है यानी इसकी त्रिज्या निकालनी है शंकु की,
तो पहले क्या निकलेगा, एल निकलेगा या आर, कोई बता सकता है? त्रिज्या निकलेगी या तिर्यक ऊंचाई, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आयतन का, है ना? एक शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होगा तब आप बता पाएंगे। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? अगर पता है तो अपना हैंड रेज करके बताओ बच्चों। एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? ग्रीस धामी। वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, ठीक है बेटा? सॉल्व करो इसको जल्दी से और आंसर मुझे बताओ ऐसे ही। मतलब आपको सब कुछ आता है, फॉर्मूले आते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बेलन का आयतन और शंकु के आयतन को आप बराबर कर देंगे, कंपेयर करेंगे, और उसमें से देखिए शंकु के आयतन में आपको सब कुछ पता है, बस आर नहीं पता, और बेलन के आयतन में तो सब कुछ पता है, तो आप आराम से आर का मान निकाल पाएंगे। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, तब तक जो गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना? क्या क्या दिया हुआ है? बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या दी हुई है हमें, है ना? कितनी है त्रिज्या? 18 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या आर ही लिखेंगे या आर वन लिखना चाहिए हमें? इसको जो बेलनाकार बाल्टी है, क्या इसको हम सिर्फ आर लिखें या आर वन लिखना चाहिए? तो देखिए आर वन आर टू किस केस में लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हम आर वन आर टू, कब लिखते हैं? जब हमारे पास एक से ज्यादा त्रिज्याएं दी हो तभी लिखेंगे हम आर वन आर टू। तो क्या लगता है आपको, यहां एक से ज्यादा त्रिज्याएं होंगी? दी नहीं है लेकिन जिक्र तो किया है यहाँ पे, जैसे जिक्र किया गया है किसका, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, तो इसको आप आर वन लिखेंगे, ठीक है? तभी ये आर टू हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे दो त्रिज्याओं का जिक्र हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप मेंशन करेंगे भाई कौन सी त्रिज्या कौन सी है, कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इसको आर वन लिख सकते हैं आप, ताकि जो शंकु की त्रिज्या है, तो उसके बाद बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या तो आपने लिख दी, इसकी ऊंचाई आप लिखेंगे। ऊंचाई यानी हाइट। तो क्या इसमें भी h1 h2 लिखने की जरूरत है? बिल्कुल है। एक ऊंचाई तो इसकी बेलन की होगी और एक शंकु की होगी, इसीलिए आप इसको h1 से डिनोट करेंगे। और कितनी है ये? 32 सेंटीमीटर दी हुई है, 32 सेंटीमीटर बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई। अब और क्या गिवन है? अब शंकु की बात करते हैं हम। अब क्या है शंकु आकार? इसको आप H2 बोल सकते हैं, और ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। शंकु आकार ढेरी की ऊंचाई आपके पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? देखिए ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है और यहां पे ऊंचाई दी हुई है आपको, इसकी त्रिज्या आप निकालें। और क्या निकालना है आपको? इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नहीं पता तो ये भी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बता दिया है कि भाई दोनों के आयतन को आप बराबर रख देंगे। बेलन का आयतन बराबर है शंकु का आयतन, फिर आप सॉल्व कर देंगे।
तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। आंसर बताएंगे आप मुझे इसका? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ आर बताइए, किसी की त्रिज्या आई, जो शंकु है उसकी त्रिज्या क्या आई आपकी, बताओ। सिर्फ मुझे त्रिज्या बताओ अभी के लिए, कि ये आर टू कितना आया आपका, त्रिज्या कितनी आई है ये बताइए मुझे बस, एल छोड़िए अभी। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से, नोट्स बनाएंगे इसके, कोई डाउट हो बीच में, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके, ध्यान से देखेंगे अब आप। क्या बोला था मैंने, जो बेलन है, बेलन का आयतन निकालेंगे आप और उसको किसके बराबर रख देंगे, शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन किसके बराबर हो गया, शंकु का आयतन, क्योंकि एक बेलनाकार बाल्टी है जो जिससे रेत निकलता है वो शंकवाकार ढेरी बनाता है, इसलिए इन दोनों के आयतन हम बराबर रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या क्या है, पाए आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाए आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब थोड़ा सा इसमें फर्क है, क्या फर्क है कि भाई दो तो आर है हमारे पास और दो एच हैं, तो हमने एक को आर वन लिखा था, एक को एच वन लिखा था और दूसरे को आर टू और एच टू लिखा था, याद है आपको, गिवन में हमने ऐसे ही इनको मेंशन किया था। अब आपको यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहे हैं पहले कैंसिल कर दीजिए, तो पाई दोनों तरफ है ना, ये कट सकता है तो इसको हमने काट दिया है पाई को। अब क्या बचा, देखिए इनकी वैल्यूज आप ध्यान से देखिए, सबकी वैल्यूज रखेंगे, सबके मान रखेंगे, आर वन 18 सेंटीमीटर, एच वन 32 और एच टू 24, ये तीनों चीज हम यहाँ पे रख देंगे। आर वन कितना था, 18 सेंटीमीटर था, तो 18 का स्क्वायर आप करेंगे इनटू, एच वन कितना था, 32 लिख देंगे यहाँ पे 1/3, आर टू कितना था, आर टू हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन से, और एच टू कितना है, 24, तो पहले क्या निकलेगा आपका, आर टू निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व करते जाते हैं, 18 × 18 × 32 इज इक्वल टू 1/3 है, यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो 3 से मैं 24 को कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 8 = 24, 8 यहाँ पे आ सकता है, और मैं अगली स्टेप में इस 8 को बराबर के दूसरी तरफ लेके आऊंगा, तो यहाँ पे आ सकता है 8, ये कितना है इस तरफ, आर टू का वर्ग, आर टू स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि आर टू स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, देखिए इस 8 को मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा, 8 × 32 है ना, 8 × 32 आ गया, मतलब 18 × 18 × यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आ जाएगा। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं हम। ऐसा क्यों किया, इसका रीजन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखिए ये r 2 स्क्वायर है, वर्ग है, तो हमें पेयर में नंबर चाहिए ताकि हम उन दोनों में से एक ले सकें और इसका वर्गमूल निकाल सकें। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए, वर्गमूल निकालने के लिए 18 × 18 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा, मतलब बाहर एक चीज आती है ना, तो ऐसे ही हम करते हैं, यहाँ पे हमने सीधे इसके पेयर बना लिए पहले ही, ताकि हमें पहले पूरे को मल्टीप्लाई ना करना पड़े, नहीं तो क्या करना पड़ सकता है हमें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबको आपस में गुना करते और फिर उसका क्या निकालते, वर्गमूल निकालते। उससे अच्छा है कि पहले ही आप इनके पेयर बना लो और मल्टीप्लाई करने की पूरे को जरूरत है ही नहीं। तो क्या करेंगे आप, आर टू स्क्वायर मैं लिख सकता हूं कि 18 ×
18 इंटू 2 का स्क्वायर है यहां पे, 18 इंटू 2 और इसका वर्ग लिख सकता हूं मैं। फिर से देखिए यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक 18 लिख दिया और एक 2 लिख दिया, क्यों आपको पता है ना, 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना ऐसे, तो मैंने भी तो यही किया, 2 इंटू 2 को 2 का वर्ग लिख दिया और 18 इंटू 18 को 18 का वर्ग लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना हम 2 का वर्ग इंटू 18 का वर्ग। और इसको क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज भी पता होगी कि अगर देखिए बेस अलग अलग हैं लेकिन इनके पावर सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके और उसके ऊपर एक ही पावर लगा सकते हैं, ऐसे करते हैं, ये काफी छोटी क्लास में आप सीख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे आपने सीधा क्या कर दिया, 18 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखिए वर्ग से वर्ग काट सकते हैं आप, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो R2 कितना आ गया, 18 दुनी 36 सेंटीमीटर R2 आ गया है, तो R2 आपका 36 सेंटीमीटर आ गया, यही तो आपको बताना था, इसको नोट डाउन कर लो आप अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप, जब आप नोट डाउन हो जाए बच्चों आपका, ये नोट डाउन कर लो तो अपना हैंड रेज करके बता देना ताकि इसका अगला पार्ट हम कर सके, हो गया बच्चों नोट डाउन कर लिया, अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करो अपना, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, अब क्या बचा, हमने इसकी त्रिज्या तो निकाल ली है, क्या निकाल लिया, त्रिज्या तो हमने निकाल ली है, ये त्रिज्याई तो है, शंकु की त्रिज्या तो आ गई है, क्या बचा है, तिर्यक ऊंचाई बची है, तिर्यक ऊंचाई बची है, उसको आप कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार यहां पे इसका डायग्राम बनाते हैं, तो ये किस तरह से होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, तो h हमें पता है 24 है और ये पता लग गई 36 है ना, सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है दोनों, हमें क्या निकालनी है, इसकी L निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो आपको देखिए फॉर्मूला अगर याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो कुछ इस तरह से ये डायग्राम बन रहे, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, सबको पता है, तो समकोण त्रिभुज में क्या आप फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये तो होता है कर्ण, एक होता है इसमें लंब और एक होता है आधार, ठीक है यही होता है, तो क्या करते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही करते हैं, यही चीज करते हैं। यहां पे देखिए कर्ण क्या है, यहां पे कर्ण है L, यही तो है तिर्यक ऊंचाई, यहां पे कर्ण हो गया, लंब क्या हो गया यहां पे H2, लंब हो गया, और आधार क्या हो गया R2, जो त्रिज्या है वो आधार हो गया, ऊंचाई है वो लंब हो गया, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, L का स्क्वायर बराबर है लंब कितना है H2 है, तो H2 का वर्ग प्लस आधार कितना है R2 का वर्ग, ये सूत्र हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, L2 square is equal to H2 का square plus R2 का square। तो देखिए यहां पे हमें H2 पता है और R2 पता है, तो उससे L हम निकाल सकते हैं, H2 कितना है, H2 हमारे पास यहां पे 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग, ये L का वर्ग आ गया। अब बताइए मुझे 24 का वर्ग क्या होता है, किसी को पता है, 576 और 1296, शाबाश, क्या नाम है बेटा आपका, गिरीश सिंह, वेरी गुड, तो आपको इसकी क्या बोलते हैं, याद है ये या फिर कोई ट्रिक वगैरह पता है आपको, सर सॉल्व किया, अच्छा सॉल्व मतलब कैसे किया, इसको 36 इंटू 36 ऐसे करके किया बेटा, यस सर, ओके ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड, बैठ जाएं आप। तो देखिए बच्चों ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इनको
जो भी स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं, सॉल्व करके करते हैं, है ना। आप क्या करते हो, मैक्सिमम टाइम सॉल्व करते हो इसको। तो सॉल्व करने में क्या होता है, काफी समय जाता है ना, काफी समय जाता है। हम 24 से ही लेते हैं, इसका वर्ग ऐसे है, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप करते हैं 24 गुना 24, ऐसे करते हैं, और इसको 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, फिर करते हैं 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर इसको आप ऐड कर देते हैं, है ना, यही करते हैं, 9 और 8 17, 1 हासिल 4 और 1 5, 576 आ गया, ऐसे करते हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ट्रिक सीखेंगे छोटी सी। क्या सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे छोटी सी। क्या ट्रिक होगी बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 1 इकाई 1 दहाई, 2 डिजिट होते हैं, तो सिर्फ ये 2 अंकों वाले किसी भी संख्या को, 2 अंकों वाली किसी भी संख्या को 10 से लेकर 99 तक आप सीधे बिना कैलकुलेट किए वर्ग निकाल सकते हैं इनका, बिना कैलकुलेट किए वर्ग निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसी चैप्टर में नहीं, हर जगह आपके ये काम आने वाला है मेथड, तो ध्यान से सुनना। देखिए जो इकाई की डिजिट है उसका हम क्या करेंगे, पहले वर्ग कर देंगे, कई बार मैंने पहले ही बताया मेथड, तो इसका हम वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा वर्ग, 4 चौक 16 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 16 है का 6 हम ले लेंगे, और जो 1 है ये हम हासिल में ले लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, हासिल आ जाएगा, वो जो अगली चीज करेंगे उसमें आ जाएगा। तो अगली चीज हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किसको, 2 को 4 को और फिर जो ऊपर 2 है उसको, इन सबको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 1 ये 17, ये हासिल होते थी, ये इसमें जोड़नी है, तो 17 का 7 और फिर से 1 हम हासिल यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग हम यहाँ पे कर देंगे, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 और 1 ये हासिल 5, तो 576 यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कितना, 576। तो ये ट्रिक है बच्चों, अभी तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे इसमें, आपको लगे कि यही आसान है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप बिना लिखे इसको कर सकते हैं और आपको फटाफट आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 36 है, 36 का हम यहाँ पे करके देखते हैं, 36 का वर्ग, तो पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, कितना बच गया, 3 हासिल बच गई। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 2 2 36 और 3 39, फिर से 3 हासिल बच गई, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 प्लस 3 12, देखिए एकदम से हम निकाल पाए 5 से 7 सेकंड में कि 36 का वर्ग कितना होता है। लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो यही होता है ट्रिक का फायदा, आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए सही बताया आपने, बिल्कुल करेक्ट वर्ग बताया इसका, इनको आप ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, अगर इनको जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पे आता है आपका 1872, 1872। तो 1872 जो है वो एल स्क्वायर है, एल का स्क्वायर 1872 है। हमें क्या चाहिए, हमें तो L चाहिए, मतलब इसका वर्गमूल हमें निकालना है, है ना, L चाहिए मतलब इसका वर्गमूल हमें निकालना है 1876 का। तो वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 1876 के आप गुणनखंड निकालिए, 1872 के यहाँ पे 1872 था, इसके आप गुणनखंड निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या आपके पेयर्स बनते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से भाग करेंगे तो 2 निम 18, 2 3 6 2 6 12, फिर से 2 से भाग करेंगे इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 6 8, और अब आ जाएगा ये 2 3 4, और फिर आ जाएगा ये 1 1 7, 3 से करेंगे इसको डिवाइड तो आ जाएगा 3 9, और फिर 3 से करेंगे तो 13, और फिर 13 एकम 13, तो कितना आ जाता है ये 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, है ना, और × 13 13 सिर्फ एक बारी है, तो बाकी सबके यहाँ पे मुझे पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 × 2 ×
3 मैं कर सकता हूं और वर्गमूल 13 वर्गमूल के अंदर ही रह जाए क्योंकि इसका पेयर हम नहीं बना पाए। तो एल कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और ये वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन जो यहाँ पे किया है तो इसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। उम्मीद है अच्छे से आपने ये क्वेश्चन किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से घर पे जाके एक बारी फिर से खुद से करके देखना क्या आप कितना कर पाते हैं इसको सॉल्व, और जो हमने आज ट्रिक्स की हैं उनका भी मेरे को अगली क्लास में बताना क्या आपको वो समझ में आई या फिर आप फिर से उनको समझना चाहते हैं, तो वो ट्रिक्स आपकी काफी मदद यहाँ पे करने वाली हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।